नमस्कार विजया मोदी कुक बुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के मुठिया, इसे दूधी के मुठिया भी कहते हैं। इसको स्टीम करके कम तेल में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगा लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी लौकी लेते हैं, वजन से देखें तो 250 ग्राम के आसपास होगी। इसको ऊपर नीचे से काट लेते हैं। अब इसका छिलका निकाल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टिप्स, जब भी लौकी का कोई भी आइटम, मिठाई, पूरी, पराठा, नाश्ता, कुछ भी बनाओ तो लौकी को जरूर टेस्ट कर ले, क्योंकि कभी कभी लौकी कड़वी आ जाती है जो खाने के बाद जानलेवा भी हो सकती है। यदि लौकी का टेस्ट कड़वा हो तो आप उसे तुरंत फेंक दे, काम में न ले। मैंने टेस्ट करके देख लिए, ये कड़वी नहीं है। अब हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो बारीक भी कद्दूकस कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा मीडियम कद्दूकस किया है। कद्दूकस की भी लौकी में डाल देते हैं 2 कप गेहूं का आटा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल, 1 छोटी चम्मच नमक। और अब डाल देते हैं हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सबको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 4-5 बड़ी चम्मच तेल। तेल डालकर सभी सामग्री को हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। यदि आटा बन नहीं रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलता है उसी पानी से इसका आटा बंध जाएगा। यदि नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी अधिक नहीं डालना है, पानी उतना ही डालना है जिससे इसका आटा लगा सके। इसका आटा हमें चपाती का आटा लगाते हैं वैसा ही लगाना है, न तो कड़क और ना ही सॉफ्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात, कद्दूकस की भी लौकी का आटा लगाने के बाद हमें इसे रखना नहीं है, नहीं तो लौकी अपना पानी छोड़ देगी जिससे आटा ढीला हो जाएगा। अब हम इसके तुरंत मुठिया बना लेते हैं। तो हम यहाँ इसको सिलेंडर शेप दे करके मुठिया बना रहे हैं। अपने जो आटा लगाया वो थोड़ा नरम हो गया है, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल दे, उसमें थोड़े मसाले और डाल दे जिससे टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब हम इसका सिलेंडर शेप बना लेते हैं। इडली स्टैंड या कोई भी बड़ा टॉप जिसमें आपकी छलनी बराबर बैठती हो, डूबनी नहीं चाहिए, वो रख देते हैं। इडली स्टैंड में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, उसके ऊपर छलनी रख दी है। गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे जिससे पानी गर्म हो जाए। छलनी को तेल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। अब इस पर जो हमने दूधी के मुठिया बनाए थे वो रख देते हैं। ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। 15 मिनट ढक्कन लगाकर स्टीम में पका लेंगे। 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं ढक्कन खोलकर। 2-3 मिनट खुला पका लेंगे जिससे इन पर जो स्टीम का पानी आया है वो उड़ जाएगा।
चाकू डालकर चेक कर लेते हैं, चाकू साफ आ रहा है, मीन्स मुठिया पक गए हैं। यदि चाकू साफ ना आए तो आप उनको थोड़ा 5 मिनट और पका लें। गैस की आंच बंद कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। अब ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें काट लेते हैं। देखिए बेकिंग सोडा डालने से इसमें कितनी अच्छी जाली आई है और ये सॉफ्ट और फ्लफी भी बने हैं। सबको आधा इंच की साइज में काट लेते हैं। इस तरह से सारे मुठिया के पीस काट लेंगे। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गैस पर रखेंगे। इसमें 3-4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद 1 बड़ा चम्मच राई डालेंगे। राई के कड़कड़ाने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्टीम किए हुए मुठिया। सबको अच्छी तरह से अलटते पलटते थोड़ा तल लेंगे। अब इस पर बुरकेंगे हमारा दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है चाट मसाला। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है दूधी के मुठिया। इसे मैं तोड़कर दिखाती हूँ। इसके ऊपर की कोटिंग क्रिस्पी और अंदर से ये काफी सॉफ्ट बने हैं। हरे धनिया की चटनी और टमाटर केचप के साथ आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। आपको ये आसानी से बन जाने वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।